नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स स्कूल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube अर्निंग्स के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी YouTube अर्निंग्स आपके बैंक अकाउंट में किस प्रोसेस में ट्रांसफर होती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन हमारी आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो व्यूअर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के आइकन को और पे जरूर सेट कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्दी पहुंच सके वो बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों YouTube से अर्निंग करने के लिए सबसे पहले तो आपका YouTube अकाउंट मोनेटाइज होना बहुत जरूरी है और उसके साथ ही साथ आपका एक एडसेंस अकाउंट भी वेरीफाइड होना बहुत जरूरी है, जिसके बाद ही आपकी YouTube अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो दोस्तों आपकी YouTube अर्निंग्स के आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में दो स्टेप्स जो है इम्पोर्टेंट है, जिनमें सबसे पहले तो YouTube की ओर से आपके Google AdSense अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी जाती है और सेकेंड स्टेप में Google AdSense के अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर की जाती है। तो दोस्तों हर मंथ आपकी YouTube अर्निंग्स YouTube की ओर से आपके Google AdSense अकाउंट में मंथ की 11 तारीख को ट्रांसफर कर दी जाती है और दूसरे स्टेप में आपके Google AdSense अकाउंट से मनी ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में हर मंथ की 21 तारीख को कर दी जाती है, जिसका एक कंफर्मेशन ईमेल भी आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाता है। हर मंथ की 26 तक आपकी YouTube अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर आपको अपने बैंक में जाकर एक फॉर्म को फिल करना है, जिसके बाद आपकी YouTube अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ साथ हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।